एक बड़ी फेमस सी लाइन है दोस्तों कि अगर आप नाम और काम बनाना चाहते हैं ना, तो ऐसा बना लीजिए कि अगर आप हार भी जाएं परिस्थितिवश, तो आपकी हार की चर्चा सामने वाले की जीत से ज़्यादा हो। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मंजर हाल फिलहाल में ना विराट द किंग कोहली का देखने को मिलता है, क्योंकि जब से वो आउट ऑफ फॉर्म है ना, दूसरे खिलाड़ी शतक मारे, दोहरा शतक मारे, तीसरा शतक मारे, या भैया वो पूरा ब्रह्मांड ही पलट दें, चर्चाएँ हमेशा इसी बात पर रहती हैं कि विराट कोहली का बल्ला कब हल्ला करेगा। और ऐसे में जब एशिया कप सर पर है, तो हमने कहा कि क्यों ना एक स्पेशल वीडियो में बातचीत की जाए। इस फटाफट वाली हमारी स्पेशल वीडियो में मैं आपके सामने तीन ऐसे प्रमुख और बहुत बेहतरीन कारण रखूंगा कि क्यों इस साल के एशिया कप में आपको कोहली नहीं, आपको किंग कोहली और विराट रूप वाले किंग कोहली, ताबड़तोड़ कोहली देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आखिर वो कौन से तीन प्रमुख और बेहतरीन कारण है, इस वीडियो में फटाफट से बताऊंगा। और अगर आप विराट कोहली के फैंस हैं और चाहते हैं कि इस बार विराट का बल्ला हल्ला करे, तो दो काम आपको करना है। पहले तो वीडियो को लाइक करिए, और उसके बाद अपने एक दोस्त के साथ शेयर करिए, सोशल मीडिया पर स्टोरी डालिए, पोस्ट करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विराट फैंस तक ये हमारी स्पेशल वीडियो पहुंच सके। तो बिना किसी देरी, विलंब, वेट, इंतजार के चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। और जो सबसे पहला कारण मुझे नजर आता है, वो है विराट का पाकिस्तान प्रेम। जी हाँ दोस्तों, इनका प्रेम थोड़ा सा अलग तरीके का है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनको थोड़ा सा सम्मान देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, पर ये अगर उनसे प्रेम करते हैं ना, तो थोड़ी सी उनकी मार पिटाई ठुकाई कर देते हैं। और ऐसे कुछ यहां पर इनके आंकड़े कहते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या आपको ये आंकड़ा पता है कि T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली की एवरेज पाकिस्तान के खिलाफ पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जी हां दोस्तों, जिन खिलाड़ियों ने तीन या फिर तीन से अधिक पारियां पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में खेली है, उन सभी को बीट करते हुए विराट कोहली की जो एवरेज है वो 70 प्लस की है। जिसका मतलब दोस्तों ये साफ है कि कितना पसंद है विराट को पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना। और ये मत भूलिए कि एशिया कप 2022 के कैंपेन की शुरुआत हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान के ही खिलाफ 28 अगस्त को कर रही है। और अगर ये आंकड़े कुछ बयां करते हैं, तो ये यही बताते हैं हमें कि इस साल के एशिया कप की शुरुआत में ना आपको किंग कोहली रूप देखने को मिल सकता है, विराट द रन मशीन कोहली का प्रकोप देखने को मिल सकता है। और ऐसे में दोस्तों ये रहा यहां पर पहला पॉइंट। अब चलिए दूसरा पॉइंट। अब देखिए, एक तो बात हो गई यहां पर कि चलो विराट को पाकिस्तान पसंद है, लेकिन अगर वो एशिया कप हो तो भैया सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, क्योंकि एशिया कप ना विराट का और भी ज्यादा पसंदीदा टूर्नामेंट है। अब यहां पर ना इन्होंने कुछ बेहतरीन आंकड़े, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करे हुए हैं, उसमें से कुछ रिकॉर्ड यहां पर मैं आपको बताऊंगा एशिया कप में विराट कोहली के आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, एक भारतीय के तौर पर ना सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी एशिया कप में विराट कोहली हैं, जिन्होंने 3 शतक लगाए हैं, किसी और ने 3 शतक जड़ा ही नहीं है। और उसके बाद एशिया कप में स्पेशली उनकी जो एवरेज है, जो औसत है, वो 63.83 की है, यानी कि हर मैच में भैया 60 से ऊपर की पारी ये खेल रहे हैं। ये अविश्वसनीय, अद्भुत, अकरामाती पारी है, यहां पर मैं इसे यही कहूंगा। और ऐसे में दोस्तों डेफिनेटली इस साल के एशिया कप में भी इनका बल्ला हल्ला कर सकता है। एंड देन उसके बाद टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा भारतीय खिलाड़ी के तौर पर रन बनाने वाले ये खिलाड़ी हैं। जिसका मतलब ये है दोस्तों कि पहली बात तो पाकिस्तान से इनका अलग लगाव है ही, और उसके बाद एशिया कप ना इनको और भी ज्यादा पसंद है। तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशंस जब मिल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि भाई साहब थोड़ा सा माचिस जलाइए, पूरा धमाका इस एशिया कप में हमें देखने को मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों ऐसा हो सकता है। और उसके बाद जो तीसरा आंकड़ा है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है, वो कहलाता है कि ये दिन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही स्पेशल डे होगा 28 अगस्त विराट कोहली के लिए, क्योंकि ये उनका 100वां T20 इंटरनेशनल मुकाबला होगा। और वो दूसरे ऐसे खिलाड़ी बनेंगे पूरी पृथ्वी पर क्रिकेट फील्ड में, जो रॉस टेलर के बाद बेसिकली जो तीनों प्रारूपों में 100 मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी बनने वाले हैं। इसके पहले रॉस टेलर ने ये कीर्तिमान रचा है, और उसके बाद अब किंग कोहली भी कीर्तिमान रचने के बिल्कुल करीब हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब वो फील्ड पर कदम रखेंगे ना, तो वो आत्मविश्वास, वो आंकड़े भी कहीं ना कहीं झलकते हुए नजर आएंगे। और फिर आप ये भी ध्यान रखिए कि भैया ब्रेक के बाद उनकी वापसी हो रही है, और वो डेस्परेट हैं रन बनाने के लिए। तो ये जब सारे कॉम्बिनेशंस ना, ये जो कहते हैं ना कि वो एक सीसी में वो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये जब सारी चीजें आपस में मिलेंगी ना, तो एक विस्फोट सा उठ सकता है, एक विस्फोट हो सकता है, और यही हम कामना भी रखते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये रहे यहां पर तीन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तीन इंटरेस्टिंग कारण क्यों मुझे लगता है कि इस साल के एशिया कप में विराट का बल्ला हल्ला करता हुआ नजर आएगा। आपके क्या ओपिनियन है, क्या ऐसा होगा या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान के खिलाफ कितना रन बना रहे हैं हमारे किंग, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है, तो फिर से कहूंगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, क्योंकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल एनालिसिस वाली वीडियोस आपको लगातार सिर्फ और सिर्फ यहीं पर
पर देखने को मिलती हैं।